दोस्तों, वेलकम टू TSA व्लॉग। आज हम आदमपुर फ्लाईओवर की अपडेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ नए चेंजेस हुए हैं। एक तो नहर के ऊपर ही इन्होंने यहाँ पे पिलर खड़े कर दिए हैं दोनों तरफ, तो यहाँ से तो आने जाने में परेशानी है ही है, लेफ्ट और राइट जाने में। तो एक तो मेजर अपडेशन ये है, दोनों तरफ ही लगा हुआ है। और एक अभी ताज़ा इन्होंने अभी सड़क दोनों साइड की हमारी यहाँ से नहर क्रॉस करते ही बन चुकी है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से। तो ये यहाँ से सड़क शुरू होके घंटा घर तक जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो पहले पूरे गड्ढे वड्ढे थे, तो ये एक अपडेशन है, देखने को मिलेगी आपको। और दूसरी साइड की भी सड़क बनी हुई है, बट उस तरफ ये जो इन्होंने पिलर खड़े किए हैं वो सेंटर में नहीं है, एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम है, जिसके कारण आगे जाके ये ट्रैफिक की समस्या है। तो चलो, ज़्यादा ट्रैफिक तो ऊपर से ही जाएगा, फिलहाल इसको ओवरटेक करना नॉट पॉसिबल है, ये सड़क के बीच में ही चलाएगा, तो हमें इसके पीछे ही जाना पड़ेगा। आगे से स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, और ये हम इसको यहाँ से, तो दोस्तों देख सकते हैं ये सड़क अब बन चुकी है, जो पहले बहुत ही गड्ढे थे जहाँ चलाने बरसातों में बहुत पानी खड़ा रहता था। तो ये एक अच्छा सा काम कर दिया इन्होंने, सड़क पूरी स्मूथ हो चुकी है 2 किलोमीटर की है, तो आधा 1 किलोमीटर तो इन्होंने बना ही दिया। बीच में फिर बस अड्डे का एरिया काफ़ी पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ से एक डाइवर्शन घंटाघर के पास से है, दूसरी तरफ सड़क बनी हुई है, तो ये बीच वाला पोर्शन जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी शायद अभी एक पिलर अभी और बनेगा, बट जिस तरह के माहौल है तो शायद अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ से ये हमारी कच्ची सड़क शुरू हो जाती है, तो इसके बाद जहाँ पे दूसरा अपडेशन हुआ है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये अभी पेंडिंग में ही है काम। यहाँ पर ये भी काफ़ी खुला एरिया है, यहाँ पर भी 2-3 पिलर अभी बनेंगे, बट ऑलरेडी जो पीछे के पिलर्स का काम पूरा नहीं हुआ है, तो उसके कारण इधर अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो ये अभी लंबा प्रोसेस है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ डिमांड थी वो थी सड़कों की, तो यहाँ पे अभी ओवरटेक कर करके गाड़ियाँ चल रही हैं, अपनी लाइन ब्रेक करके दूसरी लाइन में ही गाड़ियाँ चलाते हैं, और ये ऐसे ही हाल रहेगा। तो ये यहाँ से अगला एक आधा 1 किलोमीटर का रास्ता कच्चा ही है अभी, क्योंकि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर बनने वाले हैं 1, 2, 3, तो यहाँ पे भी अभी काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये सिविल हॉस्पिटल के पास ये 3 पिलर के भी काम शुरू होना है अभी, तो काफ़ी पेंडिंग काम पड़ा हुआ है। और देखने वाली बात है, यही 3 पिलर के पास सबसे ज़्यादा अभी जाम लगेगा, जब भी जाम लगेगा मॉर्निंग और इवनिंग में। तो यहाँ से ये दूसरा अपडेट है कि सड़क यहाँ से अब बन गई है, इनर और आउटर एरिया में सड़कें बन गई हैं, तो आप जब एंटर करोगे, एग्ज़िट करोगे, तो आपको सड़क मिलेंगी। और इन बिटवीन की जो सड़क है वो डैमेज है, तो वो रिपेयर होने वाली है। तो इसके जो पैरेलल जो दूसरी साइड की भी सड़क है वो भी सिर्फ 1/2 किलोमीटर की बनी है, तो उसका भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो देखो कब तक ये शुरू करते हैं, बीच में बरसात भी आ जाती है, कभी कुछ शुरू हो जाता है, और ये सड़क यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। और अब उधर की सड़क बन चुकी है दोस्तों, पैरेलल वाली, और अब हम यहाँ से आपको दिखाने के लिए ये सिर्फ कि ये वाली सड़क भी बनने वाली है, कि उसके साथ वाली सड़क पूरी बन चुकी है वहाँ पे, तो सिर्फ इस साइड की सड़क अब बनने वाली है। कल उधर काम चल रहा था, तो वो रोड पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप आते हैं तो अभी तो यहाँ पे खुल्लम खुल्ला है, जहाँ से मर्जी आ जाओ, इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ। तो ये अब हम नई सड़क के ऊपर आ गए हैं, और ये नई सड़क पूरी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरी साइड की सड़क भी शायद 2-4 दिन में बन जाएगी, तो उसके बाद फिर आपको अपडेशन देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नहीं भी पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एक बार कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है।